तो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फिर गाइस, आज के इस वाले वीडियो पे हम कुछ कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये गाइस, सारे कंपोनेंट्स मैं लाजपत राय मार्केट से लाया था, जो कि लाल किले के सीधे सामने ही पड़ता है। तो आज के इस वाले वीडियो में कुछ कंपोनेंट्स और टूल्स वगैरह दोनों ही अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मैं कुछ पैकेट निकाल रहा हूँ इसमें से। तो एक पैकेट के अंदर ये सामान सब है, तो अभी हम इसका एक एक करके रिव्यू देखेंगे। तो गाइस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 12 वोल्ट का गियर मोटर लिया है, जो कि 300 आरपीएम का, और ये गाइस मेरे को 100 रुपीस का मिला है। और गाइस, ये मेटल गियर के साथ है, साथ ही साथ कुछ कुछ प्लास्टिक गियर में भी इसमें मिल जाते हैं, बट गाइस ये मेटल गियर के साथ है और ये गाइस मेरे को 100 रुपीस का पड़ा है। और बहुत बढ़िया गियर मोटर है ये। उसके बाद गाइस, यहाँ पर मैंने XT60 कनेक्टर्स लिए हैं, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों हैं। और ये गाइस मेरे को 30 रुपीस के पेयर मिले हैं, जो कि गाइस जैसे कि देख रहे होगे स्क्रीन पे, कुछ इस हिसाब से ये दिखते हैं, मतलब बहुत बढ़िया है। और ये करीब 15 से 20 एम्पे ये लोड उठा सकते हैं, तो ये वाले कनेक्टर बहुत बढ़िया होते हैं। बट गाइस थोड़े से कॉस्टली है, क्योंकि 30 रुपये पेयर है ये, और बहुत बढ़िया कनेक्टर है, वर्किंग भी अच्छी है। और ये गाइस मैंने 5 पेयर लिए हैं, तो आप भी उधर से जाके ले सकते हो। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने एक HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया है, जो कि गाइस मेरे को 190 रुपीज़ का पड़ा है। और ये गाइस हम आर्डिनो के साथ प्रोजेक्ट बना सकते हैं इससे, और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जो कि HC05 है इसका मॉडल नंबर। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने बैटरी लेवल इंडिकेटर लिया है, जो कि 1S से लेके 8S सपोर्टेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अंदर बस सोल्डरिंग करना है और ये 8S का हमारा बन जाएगा, क्योंकि गाइस मेरे को 100 रुपीज़ का पड़ा है। और ये जो है बैटरी को अच्छे से इंडिकेट कर सकता है, तो ये वाला मैंने ले लिया है। और ये हमें 100 रुपीज़ का पड़ा है, जैसे कि आपको बताया है, और बहुत बढ़िया ये इंडिकेटर है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने 3S 20 एम्पर का BMS लिया है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ। गाइस ये बैटरी को मैनेज करके चार्ज करने में मदद करता है, जो कि गाइस ये मेरे को 90 रुपये का पड़ा है। तो आप भी मार्केट में जाके इसे ले सकते हो, बहुत चीप प्राइस में ये मेरे को मिल गए हैं सारे कंपोनेंट्स। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने 5S 15 एम्पियर का BMS लिया है, जो कि गाइस मेरे को 200 रुपीज़ का पड़ा है। और ये गाइस 5S बैटरी बनाने, या मतलब 21 वोल्ट की बैटरी बनाने में मदद करेगा। और ये गाइस मैंने एक ड्रिल मशीन की बैटरी बनाने के लिए लिया है, जो कि आने वाले वीडियो में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पर मैंने स्लाइड पोटेंशियोमीटर लिया है। ये गाइस पोटेंशियोमीटर आपने शायद पहली बार देखा होगा। गाइस जैसे पोटेंशियोमीटर होता है ना, जो गोल घूमता है, बट वैसा ही वर्क करता है, बस ये गाइस स्लाइड करना होता है, मतलब आगे पीछे करना होता है। ये गाइस मैंने 10K में 2 पोटेंशियोमीटर लिया है, क्योंकि गाइस ये जो छोटा वाला जो भी मेरे हाथ में है, वो 40 रुपये का मिला है, और जो नीचे था वो बड़ा वाला था, जो कि मेरे को 50 रुपये का मिला है। थोड़ा सा गाइस कॉस्टली है, बट ये गाइस हम ट्रेन मॉडल्स के लिए लेके आए हैं, जो कि मैं सेकंड चैनल, आपको पता ही होगा, क्रिएटिंग मिनिएचर वर्ल्ड, उसके ऊपर हम ट्रेन के मॉडल बनाते हैं। तो इसी पोटेंशियोमीटर की मदद से हम ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल लगेगा। तो इसलिए मैंने ये वाले परचेज के लिए 2 पीस। तो गाइस आप भी ये ले सकते हो, और जो गाइस शॉप नंबर है मैं आपको कमेंट में दे दूँगा कि कहाँ पर ये मिल जाएगा आपको सामान। उसके बाद गाइस, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, सब हो गया ख़त्म। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने एक बेंच वाइस लिया है, जो कि मेरे को 200 रुपीज़ का मिला है। और ये भाई लोग मैंने इसलिए लिया, क्योंकि थोड़ा सा लोहा वगैरह जैसे ड्रिल करना होता है, या कुछ भी पकड़ना होता है, कटिंग के लिए कुछ भी काम करना होता है, तो ये मदद करता है। और गाइस थोड़ा सा काम इससे आसान हो जाता है, तो इसलिए मैंने मिनी बेंच वाइस ले लिया है। इसकी गाइस बहुत अलग अलग प्रकार के वेरिएंट है मार्केट में, तो आप उधर जाके देख सकते हो। ये गाइस 25 mm का बेंच वाइस है, मतलब 25 mm तक का मोटा चीज ये पकड़ सकता है। तो गाइस ये 200 रुपीज़ का मेरे को पड़ गया है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होगे, अभी मैं आपको इसका टेस्टिंग वगैरह करके दिखा देता हूँ कि कुछ इस हिसाब से, मतलब कि किस हिसाब से हम इसे पकड़ के काम वगैरह कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर एक प्रॉफिट ये रहता है कि हम इसका एक जो नोब है, हम इसको टेबल के अंदर फंसा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि गाइस टेबल के ऊपर ही अच्छे से फंस जाएगा। तो आने वाले वीडियो में इसका भी आपको यूज़ करके मैं दिखा दूंगा यूट्यूब के वीडियोस में।
तो अभी आप देख सकते हो ये बेंच वाइज कुछ इस हिसाब से प्लास्टिक के शीट को पकड़ लेगा, और हमें कुछ भी काम करना होगा गाइज हम उसे कर सकते हैं। तो हमने करना ही आ गया इस प्रकार से काम, तो इसलिए मैंने भी ये परचेज कर लिया है, क्योंकि गाइज मेरे को 200 रुपीज़ का मिला है, क्योंकि गाइज लाज पतराय मार्केट से ही मिला है। उसके बाद गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप इसका बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, ये क्या है गाइज? ये वन ईयर कैलिपर बोलते हैं, ठीक है गाइज। इसके मार्केट में दो वेरियंट अवेलेबल है, एक डिजिटल और एक नॉन डिजिटल। तो गाइज मैंने यहाँ पे डिजिटल वन ईयर कैलिपर लिया है, क्योंकि गाइज पॉइंट के बाद दो डिजिट बताता है। इसके अंदर गाइज वन ईयर कैलिपर में भी दो वेरिएंट आते हैं, एक पॉइंट के बाद वन डिजिट बताता है और पॉइंट के बाद दो डिजिट। और इसके अंदर गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके भी शूज का दो वेरिएंट आ जाते हैं डिजिटल में, एक आता है गाइज स्टेनलेस स्टील में और एक आता है गाइज कार्बन फाइबर में, ठीक है दो प्रकार के वेरिएंट है। तो ये गाइज मैंने कार्बन फाइबर में नहीं लिया है, स्टेनलेस स्टील में लेकिन गाइज कार्बन फाइबर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ले लिया है। तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये वन ईयर कैलिपर इंच और एमएम दोनों में नापता है, और गाइज ये बहुत बढ़िया वन ईयर कैलिपर है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको इसका यूज पता ही होगा कि क्या काम में आता है। तो गाइज ये बहुत बढ़िया वन ईयर कैलिपर है, ये गाइज 6 इंच का वन ईयर कैलिपर है, और मतलब 150 mm का वन ईयर कैलिपर कह सकते हो। और गाइज ये 3 जगह से साइज नापता है, अभी आपको दो साइज से मतलब कि दो जगह से आपको पता है कि कहाँ कहाँ से नापता है, लेकिन गाइज बड़े बड़े यूट्यूबर आपको तीसरी जगह नहीं बताते कि ये कहाँ से ये साइज नापता है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको वो जगह भी बताऊँगा कि ये तीसरी जगह कहाँ से नापता है, वो गाइज मैं गारंटी कह सकता हूँ कि बहुत कम यूट्यूबर्स ने बताया है कि वहाँ से ये जगह नापता है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसे करके 0 पे दबा देता हूँ, ठीक है इसके अंदर 0 का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे हम इसे 0 कर सकते हैं। उसके बाद गाइज ये मैं गियर मोटर का शाफ्ट का मतलब मोटाई चेक करता हूँ, ठीक है तो इस हिसाब से देख रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 6 mm का ये शाफ्ट है, तो ये कुछ इस हिसाब से है। उसके बाद गाइज हम इसका पोटेंशियोमीटर का जो भी हो स्क्वायर का एक साइज मतलब कि रेक्टेंगल कह सकते हो, स्क्वायर नहीं है ठीक है, रेक्टेंगल भी नहीं है गाइज क्यूब है, ठीक है इसका मैं नाप दिखा रहा हूँ। और गाइज तीसरा साइज मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से यह दिखता है। तीसरा गाइज ये कुछ इस दूसरा मतलब यहाँ पे कुछ इस हिसाब से वो काम करता है, ठीक है दूसरा यहाँ से नापा, पहले तो आपको दिखाई दे शाफ्ट पे कैसे नापते हैं। अब गाइज इसका मैं तीसरा भी नाप के दिखा देता हूँ तीसरा कहाँ से नापते हैं, ठीक है। अगर आपको गाइज इसका फुल फंक्शनल वीडियो चाहिए कि ये किस हिसाब से वन ईयर कैलिपर काम करता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लोगे इसके अंदर एक रोड है कुछ इस हिसाब से, अब रोड के हिसाब से हम इसे नीचे की तरफ झटका देंगे, और जो भी जितना अंदर तक है डेप्थ इसका डेप्थ भी नाप सकते हैं इससे, तो ये कुछ इस हिसाब से 1.5 mm का डेप्थ है। तो गाइज इस वाले वीडियो में मैंने इतने ही कॉम्पोनेंट अनबॉक्स करके दिखाए हैं, तो फिर गाइज आने वाले वीडियो में हम इससे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो फिर इस वाले वीडियो में मैंने इतना ही दिखाया है, तो फिर यही कॉम्पोनेंट्स अभी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मैं कॉम्पोनेंट लाया था। गाइज जैसे कि देख लोगे इतना ही कॉम्पोनेंट है, तो फिर इस वाले वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।